हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेक टीचर्स की तरफ से सरदैद आपको अपने चैनल पे इस न्यू वीडियो पे खुशामदीद करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि सब आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी क्लास 9 के रिजल्ट के हवाले, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर कोई नई अपडेट दें और क्या सीन है, कब तक रिजल्ट आने वाला है। लास्ट ये मंथ भी निकल गया अक्टूबर का, आपको पता होगा। तो बच्चों ने पूछा था कि सर अब क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है ये बताएं। और दो तीन कुछ बोर्ड की तरफ से कुछ बेहतरीन अनाउंसमेंट हुई थी हमारे स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड पे की तरफ से, तो वो भी आज मैं आपकी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो और बेहतरीन होने वाली है लास्ट वीडियो से। तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बोलूंगा कि देखने वाले स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, आपको पता होगा लास्ट वाली वीडियो भी आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुल बनाई मेरी, और माशाल्लाह वो रैंक करी और उस पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया, लाइक भी किया और उसको क्या कहते हैं बहुत सारा वॉच भी किया और शेयर भी किया अपने दोस्तों में। तो मैं भी इसी उम्मीद से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि ये वाली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको भी लाइक करेंगे और इसको भी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में। तो आज के वीडियो के अंदर मैं दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहली अनाउंसमेंट देता हूँ मैं आपको, ये बताने वाला हूँ कि क्लास 9 का जो रिजल्ट है, जो इन्होंने कहा था बोर्ड की तरफ से कि अक्टूबर के अंदर आने वाला है, अक्टूबर के सेकंड या थर्ड वीक में आने वाला है, लेकिन आपके सामने की बात है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो अब फिर से बोर्ड की तरफ से मैट्रिक बोर्ड जो साइंस बोर्ड है, आपको पता है जनरल ग्रुप का रिजल्ट तो पहले से ही अनाउंस हो चुका है, लेकिन साइंस ग्रुप का जो रिजल्ट है, कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट जो है क्लास 9 का, वो अभी तक नहीं आया है। तो बोर्ड की तरफ से अभी लेटेस्ट ही अनाउंसमेंट हुई है दो तीन चीज़ों की। तो उसमें से पहली अनाउंसमेंट ये हुई है कि क्लास 9 का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक तक मोस्ट एक्सपेक्टेड है के आ सकता है नवंबर की, ठीक है ना। तो फर्स्ट से सेकंड वीक तक नवंबर की आ सकता है रिजल्ट, और इन्होंने कुछ डेट्स भी अनाउंस किए हैं, तो मैं वो डेट भी आपको नवंबर की बता देता हूं। तकरीबन इन्होंने कहा है कि 9 से 12 या 12 से 15 तारीख तक नवंबर की क्या कहते हैं आपको क्लास 9 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इंशाल्लाह ये जो डेट अनाउंस हुई है बोर्ड की तरफ से, मैंने कहा आपको तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये वो अनाउंसमेंट होती है जो इनके ऑफिशियल पेज पे होती है, तो कुछ लोग हमारे उस पेज को फॉलो नहीं करते या उस पर देखते नहीं है। तो मैंने कहा अपने वीडियो के थ्रू ये चीज भी आपको आगाह कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आपको घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका क्लास 9 का रिजल्ट जो है वो आपका सेकंड वीक तक आ सकता है नवंबर की, ठीक है। जैसे मैंने आपको डेट भी बता दी, 10 से 12 या 12 से 15 तक वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी दो तीन अनाउंसमेंट मैं आपको और करने वाला हूँ जो इन्होंने अपने लेटेस्ट क्या कहते हैं अनाउंसमेंट में बोर्ड की तरफ से बताई है। तो वो अनाउंसमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये अनाउंसमेंट मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए कि पहले जैसे आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने अपने टाइम पे 2011-12 में हम लोगों ने इंटर किया, तो उसमें हम लोगों का जब हम लोग कॉलेज जाते थे तो वहाँ पे कोई अटेंडेंस का कोई ऐसा सीन नहीं होता था। लेकिन अब ये थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रोफेशनलिज्म लाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया है कि अब से आप लोगों के लिए कॉलेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वो इसलिए कि अब क्या कहते हैं हमारे जो इंटर बोर्ड हैं, इन्होंने एक ऐप क्या कहते हैं मुतारिफ करवा दी है बच्चों के लिए, और कुछ कॉलेजेस वगैरह में क्या कहते हैं ये ऐप जो है स्टार्ट भी हो गई है, काम भी कर रही है अपना। अच्छा, ऐप है क्या, मैं उसका हवाला दे देता हूँ आपको थोड़ा सा। वो आपका एक स्कैनर सिस्टम है ऐप, उसमें होगा ये कि जो बच्चे उस कॉलेज जाके उसके जरिए अपनी अटेंडेंस लगाएंगे तो क्या कहते हैं वो उनका माना जाएगा, और कहा जा रहा है क्या कहते हैं जब भी उनकी अटेंडेंस काउंट होगी तकरीबन 75 से लेके 80% तक आपकी अटेंडेंस लाजमी होनी चाहिए इंटर बोर्ड के एग्जाम से पहले। और अगर आपकी क्या कहते हैं ये अटेंडेंस नहीं होती है तो कहा जा रहा है कि आपका इनरोलमेंट का जो फॉर्म आएगा, फर्स्ट ईयर वालों को आपको पता होगा इनरोलमेंट फॉर्म आता है जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं, तो वो इस साल नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली खबर है और इसको आपने क्या कहते हैं बहुत ही सीरियस लेना है, क्योंकि इस साल से इन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी टेक्नोलॉजी का इजाफा किया है। जैसे कि आपको पता होगा पूरे सिंध में तकरीबन 300+ कॉलेजेस वगैरह हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और इन 300+ कॉलेजेस के अंदर तकरीबन कराची के 5 से 10 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर वो सिस्टम को मुतारिफ करवा दिया गया है। और उस सिस्टम के जरिए होगा क्या कि आप जैसी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पहले अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है स्कैन करवा के, और जैसी आपकी स्कैन होगी अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस तो पहले भी होती थी कॉलेजेस वगैरह में, लेकिन आपको पता है कि वो क्या कहते हैं मैनुअली होती थी रजिस्टर्ड के जरिए, ठीक है ना, लेकिन वो काउंटेबल नहीं होती थी क्योंकि उसमें नुकसान बहुत होता था, वो आपका रिकॉर्ड मिलता नहीं था कॉलेजेस वगैरह को, और आपको पता है कराची की कॉलेजेस का हाल क्या है। तो इसी तरीके से जो सईद साहब हैं, डॉक्टर सईद साहब जो हैं इंटर बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम लोग एक ऐप मुतारिफ करवाएंगे जिसके जरिए बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकेंगे, और जिसकी अटेंडेंस उसमें रिकॉर्ड होगी तो वो ही बच्चा क्या कहते हैं इंटर के एग्जाम में इनरोल हो सकता है और उसी का इनरोलमेंट फॉर्म आएगा। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। और दूसरी तीसरी अनाउंसमेंट में ये आपको बता दूँ, तीसरी अनाउंसमेंट में ये है कि जो हम लोगों की अभी लैपटॉप स्कीम बंद हो गई थी, तो जो इस क्या कहते हैं टाइम के जो
प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने दोबारा से ये स्कीम लॉन्च की है। अच्छा, उसका पूरा प्रोसीजर है और उसके एक वेबसाइट के थ्रू अपने आपको आप इनरोल करवा सकते हैं। अच्छा, ये किन किन को मिलने वाला है? ये इनको मिलने वाला है जो क्या कहते हैं इंटर लेवल में है या इंटर लेवल से आगे निकल गए यूनिवर्सिटी लेवल में, तो उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। उन बच्चों को ये लैपटॉप स्कीम के जरिए लैपटॉप मिल सकते हैं और उसके लिए आपको एक वेबसाइट दी गई है जिसमें जाके आप अपने आपको इनरोल करें और फिर आपको वो बताएंगे कि आगे का फर्दर क्या प्रोसीजर है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको वो लिंक दे दूंगा और उस वेबसाइट पे जाके आप अपने आपको इनरोल करवाएं और वहां से आप लैपटॉप हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुमित के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।